आज की इस दुनिया में बड़ी अजीब तरह के इंसान रहते हैं, अजीब तरह की दुनिया बन चुकी है। आप समझते होंगे कि जब भी कोई गांधी जी का अगर बर्थडे हो या जयंती मनाई जा रही हो या किसी भी महापुरुष की जयंती, तो उस समय हम लोग उन्हें मानने लगते हैं, उनकी विचारधारा की बात करने लगते हैं। आपने देखा होगा हर नेता ट्वीट करने लगता है और बाकी के दिनों में कोई विचारधारा नहीं होती उनकी। इसी तरह आप देखते होंगे कि कोई भी धर्म हो, जैसे मान लीजिए आप लोग नव दुर्गा मना रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि जितने दिन नव दुर्गा चलती है उस दिन हम लोग बड़े भक्ति में लीन रहते हैं, और जैसे ही नव दुर्गा खत्म होती है हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कोई याद नहीं रहता क्या कुछ है। तो आप समझिए कि मतलब साल भर छोड़ दीजिए, एक दिन बस हम लोग विचारधारा को मान लेते हैं। तो पेरिस जलवायु समझौते की बात की जा रही है, अभी 5 साल हुए इसे तो फिर से चर्चा में आ चुका है। चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे आप देखेंगे क्वेश्चंस बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। 12 दिसंबर 2020 से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। क्लाइमेट एविएशन समिट 2020 पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा और पेरिस समझौते तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु सरकार और गैर सरकारी नेताओं के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो पेरिस समझौते की 3 स्तंभों जैसे समन, अनुकूलन, वित्त व्यवस्था है के तहत नई और महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं निर्धारित करना। व्यापकता की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन उन व्यवसायों, शहरों और अन्य गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक सार्थक मंच प्रदान करेगा जो एक साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और सरकारों का समर्थन करने एवं उत्सर्जन को कम करने और लचीलेपन में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन में तेजी ला रहे हैं। मेजबान देश की बात करें तो चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस मेजबान देश हैं। एक बात आप लोग देखते होंगे, एक समय हुआ करता था कि हम जलवायु की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, पर्यावरण की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। आज आप देख रहे होंगे कि हर देश पर्यावरण की ओर ध्यान दे रहा है, वरना आप देख रहे हैं कि इस तरह की विविधता आपको देखने को नहीं मिलती। एक समय था जहां वर्षा नहीं होती थी, वहां आज बाढ़ आ रही है। अब मालूम ही नहीं चलता है कि कब तूफान आ जाए, कितने महीने बरसात हुई, कब बरसात खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप लोग, ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। आप भी इसका उदाहरण देख चुके होंगे, एक समय हुआ करता था कि आप जाते थे कुएं में, आपको डोरी की जरूरत नहीं, रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप लोग हाथ से भी पानी निकाल सकते थे। आज आप देखिए क्या स्थिति बन चुकी है। एक समय हुआ करता था कि 7-7 8-8 दिन बरसात ही बरसात हो रही है, घर से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, और आज के समय में देखिए क्या परिवर्तन हुआ। एक समय आप स्कूल भी जा रहे होते हैं तो देखते थे कि आपकी चारों तरफ हरियाली रहती थी, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, आज आप देखेंगे सूना सारा पड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आप देखते होंगे कि आपका बर्थडे है या घर में कोई त्योहार, फंक्शन, कुछ भी चल रहा है तो आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें मत करिए, आपके पास पैसा है आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप उसकी जगह या उसके मतलब उसी के एक खुशी में आप 2-4 पेड़ लगा दीजिए। चलिए आप एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वो भूल जाएंगे दूसरे दिन, लेकिन पेड़ जब तक रहेगा तब तक आपकी याद जरूर बनी रहेगी। ऐसा आप लोग कर सकते हैं अपने बर्थडे या किसी भी अच्छे समय पर। उत्सर्जन का इतिहास की बात करें, हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत बन गई है। पृथ्वी के 4.54 बिलियन वर्ष के इतिहास के दौरान इसका स्तर व्यापक रूप से बढ़ा है। ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों का प्रमुख योगदान रहा है, और आप समझिए कि एक तरह से वही योगदान करेंगे। आप समझिए कि आपके पास VIP कार है और सामने वाले के पास साइकिल है, तो आप कहाँ प्रदूषण फैलाएंगे? प्रदूषण तो सामने वाला फैलाएगा ना, वो कार चला रहा है, वो जिस स्थिति में रह रहा है। प्रमुख उत्सर्जनकर्ता की बात करें तो यह उत्सर्जन संयुक्त राज्य US में सबसे अधिक 25%, इसके बाद यूरोपीय संघ में 22 यानी कि 22% और चीन में 13% है। इनको भी क्रम से याद रखिए। कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल 3% है, तो ये कोई खुशी भी मनाने वाली बात नहीं है। जो जितनी तरक्की करेगा उतने ही आप सोचिए कि कार्बन यानी किस तरह की प्रदूषण फैलाने का काम भी करेगा। ठीक है, ये अलग बात है कि आप ध्यान दे सकते हैं,
आप कोयले की जगह आप सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। पेरिस जलवायु समझौते की अगर बात करें हम लोग, तो कानूनी स्थिति या जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंगीकरण की बात करें तो दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। तो याद रखिए दिसंबर 2015 की बात है। इसमें क्या उद्देश्य से अपनाया गया, क्या लक्ष्य रखा गया था? पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानत इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। इसके उद्देश्य की बात करें तो 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों, मृदा द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके। आप समझिए कि अगर तापमान बढ़ता है तो आप समझिए जिस क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी और वो समुद्रों में पानी के रूप में पहुंचेगी, तो ये भी खतरा है कि कई देश डूब भी जाएंगे उसमें, समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप वर्तमान की अगर वैश्विक उत्सर्जन की बात करें तो पेरिस समझौते के 5 वर्ष बाद सभी राज्यों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके शमन के लिए अपनी अपना राष्ट्रीय योगदान प्रस्तुत किया। यहाँ राज्य कहने का मतलब देश ही है, ठीक है, कोई आपका एमपी यूपी और बिहार नहीं है, ठीक है। यह योगदान मौलिक रूप से 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे पहुंचने के लिए अपर्याप्त है और पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा से भी अधिक है। भारत के आप अलावा देखेंगे भूटान, फिलीपींस, कोस्टा रिका, इथोपिया, मोरक्को, गाम्बिया इस समझौते के अनुपालन कर रहे हैं। और चीन में आप देखेंगे तो GHG उत्सर्जन उच्चतम 30% है, जबकि अमेरिका की बात करें तो उत्सर्जन में 13.5% है। यूरोपीय संघ की बात करें तो 8.7% योगदान देते हैं, ठीक है, इन दो तीनों देशों को आप लोग याद रखिए। भारत की अगर उत्सर्जन में वर्तमान स्थिति की बात करूं तो इस वर्ष की शुरुआत में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत से 60% कम है। 2019 में देश में उत्सर्जन 1.4% बढ़ा, जो कि पिछले एक दशक के प्रतिवर्ष 3.3% के औसत से बहुत कम भी है। भारत के द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं, कुछ प्रयास भी किए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। भारत स्टेज, जिसे BS6 मानदंड भी कहते हैं, यह वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लगाए गए उत्सर्जन नियंत्रण मानक है। आजकल आप जाते होंगे गाड़ी खरीदने के लिए तो आपको BS6 मानदंड की गाड़ी मिलती होगी। ये क्या होती है कि कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है एक तरह से। राष्ट्रीय सौर मिशन की, यह भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। अभी आपने सुना होगा रीवा अल्टा प्रोजेक्ट, एक तरह से सौर प्रोजेक्ट, कई तरह के, इस तरह आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा, कई राज्यों में लगाए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि इससे क्या होगा कि पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा, प्रदूषण भी कम फैलेगा, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि कोयला हो फिर कच्चा तेल हो, एक समय के बाद एक खत्म हो जाएगा। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं लेकिन उपयोग होने में बहुत कम समय में खत्म कर देंगे। तो आज के समय में आप समझिए कि ऊर्जा के बिना तो जीवन संभव नहीं है, मुझे लगता है। आज आप देखते हैं कि आपके फोन है आपके सामने तो उसे भी चार्ज करने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी या नहीं। एक समय के लिए आप सोचिए कि बिल्कुल अंधेरा हो, कोई आपके पास उजाला की व्यवस्था ना हो, तो क्या उस समय आप अपने आप को किस स्थिति में रखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधन, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि के कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। इन सभी पहलों ने भारत को CO2 उत्सर्जन में 164 मिलियन किलोग्राम की कटौती करने में मदद की है। अगर प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करने में समस्याओं की बात करें कि जो लक्ष्य रखे गए थे उसमें समस्याएं आखिर कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है, तो उसे भी आप लोग देखिए। अधिकांश राष्ट्र वर्ष 2025 से 30 के बीच उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने राष्ट्रीय योगदान को बहुत देर से प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि कई देशों ने हाल के दिनों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की घोषणा भी की है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य होता है कि सभी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विभिन्न उपायों के माध्यम से वायुमंडल से हटाया जाना चाहिए।
जिससे पृथ्वी के शुद्ध जलवायु संतुलन को कायम रखा जा सके। शुद्ध शून्य लक्ष्य विश्वसनीयता, जवाबदेही और निष्पक्षता जांच के अधीन है। विश्वसनीयता की बात करें, राष्ट्रों की योजनाओं और नीतियां दीर्घकालिक शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वसनीय नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का लक्ष्य उचित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक वैश्विक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करना है, और लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय योगदान इस लक्ष्य से काफी दूर भी दिखाई दे रहे हैं। जवाबदेही की बात करें तो कई राष्ट्रों नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों में या तो जवाबदेही का अभाव है या फिर आप देखेंगे उनकी जवाबदेही काफी सीमित है। कई देशों ने अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को अभी तक पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तथा दीर्घकालिक रणनीतियों के अनुरूप नहीं बनाए हैं। पेरिस समझौते के तहत जवाबदेही सीमित है और राज्य अपने स्वचयनित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रों के स्वैच्छिक योगदान की सीमा समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और राज्यों को केवल अपने लक्ष्यों की निष्पक्षता, महत्वाकांक्षा के लिए उच्च प्रदान करने हेतु कहा जाता था। एक एक और बात बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी होगी कि एक गांव में कहा जाता है कि दूध के लिए व्यवस्था हुई कि सभी लोग गांव भर दूध दे, और एक टंकी यानी कि टैंक रख दिया गया। उसमें कहा जाता है कि इसमें अपने हिसाब से कोई चेक नहीं करेगा आप किस तरह दूध ला रहे हैं या पानी ला रहे हैं। तो सभी लोगों ने सोचा कि वो चलिए सब तो दूध दे रहे हैं, मैं अगर पानी दे दूंगा क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच पूरे गांव की रही, उसमें पूरा पानी दे दिया गया। आज के समय में यही सोच है कि हमें क्या लेना देना। अगर आप सोचिए कहीं किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम चुपचाप निकल जाते हैं, हमें क्या लेना देना, हमारा परिवार का थोड़ी मेंबर है। समझ रहे हैं आप लोग? यही पर्यावरण के क्षेत्र में भी देखेंगे हम लोग कि हम कहेंगे कि हमारे प्रदूषण रोकने से अकेले क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपको कहीं कोई भी सफाई करनी है तो मैं तो कहता हूं पहले घर से ही सफाई करिए ना, फिर गंदगी की हो चाहे भ्रष्टाचार की हो। और आप सोचें कि आप बिना आपके योगदान के दुनिया बदल जाए, मुझे ये संभव नहीं लगता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान सफल होने की एक कारण हो सकता है मोदी साहब, लेकिन हजार कारण आप लोग हैं। अगर आप मदद ना करते तो कोई भी नेता अभी तक चलता आया है चलता रहता। तो सभी ने एक तरह से भागीदारी की है तभी हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। पारदर्शिता ढांचे में एक मजबूत समीक्षा कार्य शामिल नहीं है, और पेरिस समझौते के अनुपालन हेतु उत्तरदायी समिति बाध्यकारी दायित्वों की एक छोटी सूची के साथ कार्य कर रही है, जिसके कारण इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है। न्यायोचितता या न्याय संगतता दो पीढ़ियों के बीच और उनके भीतर नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की निष्पक्षता और न्यायोचितता का मुद्दा अपरिहार्य है। किसी भी देश के पास यह जांचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कि उनके द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग कितना निष्पक्ष और न्यायोचित है, और अन्य देशों की तुलना में कोई देश कितना प्रयास कर रहा है तथा उसे कितना प्रयास करना चाहिए, और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है इसे भी देख लीजिए। पेरिस समझौते के तहत निर्धारित दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने और मध्य शताब्दी तक जलवायु तटस्थ विश्व का निर्माण करने के लिए विश्व के सभी देशों को जल्द से जल्द ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। याद रहे कि चीन ने वर्ष 2030 से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचने और वर्ष 2060 से पहले कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सतत स्थिर जलवायु प्राप्त करने की दिशा में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को और अधिक विश्वसनीय, जवाबदेही और न्यायोचित बनाना आवश्यक है। याद रहे कि सभी देश अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे और ना ही उनसे इस संबंध में उम्मीद की जा सकती है, किंतु यह आवश्यक है। अल्पकालिक विश्वसनीय प्रतिबद्धताओं के साथ मध्यावधि अकार्बनीकरण और विकास की नीति कई देशों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। और याद रखिए, आप ही
अगर आप समझिए कि आप अपना कर्तव्य समझे, समझ रहे हैं आप लोग, और उस कचरे को मतलब एक जगह रखें आप, तो रोड पर आपको कचरा दिखाई नहीं देगा, और पूरा मोहल्ला आप सोचिए कि यही सोचने लगे, तो आप सोचिए कितना फायदा होगा। तो देशों के अकेले कर लेने से मुझे लगता है कि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। हमारे देश ने कई नीतियां बनाई, कई योजनाएं बनाई, कितनी नीचे तक लागू होती हैं, निचले के तबके तक कितनी पहुंच पाती हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान कवर किया हुआ है, एमपी स्पेशल कवर किया हुआ है, क्योंकि एमपीपीएससी में एमपी का कितना महत्व है आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एमपी सरकार ने हजार योजनाएं बनाई हुई है, लेकिन मैंने हकीकत देखा कि निचले तबके तक कितनी योजनाएं पहुंच पा रही हैं। आप यकीन करें या ना करें, 2 से 3% लोगों तक योजनाएं वो पहुंच पा रही हैं गांव में। ये मैंने कई बार आईटीआई डालकर भी जानकारी प्राप्त की है, और कई बार मैंने हकीकत में भी किसी से बात करके भी प्राप्त की है, समझ रहे हैं आप लोग। तो सबको योगदान देना होगा, और जैसे आप पढ़ रहे हैं आपको मालूम है इस योजना के बारे में, आप बताइए। अगर आपके सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहब या कोई भी नेता अगर कोई नहीं मान रहे हैं, तो आप उनकी बात लगाइए। सूचना का अधिकार दिया हुआ है आपको, आपके मौलिक अधिकार हैं आपके सामने, समझ रहे हैं आप लोग। भले आपकी नजरों में दोनों सबकी कीमत ना हो, लेकिन एक समझ रखिए, उससे मौलिक अधिकारों पे चाहे आईटीआई हो, इसके लिए कितने लोगों ने अपना मेहनत की है, तब जाकर ये अधिकार मिले हुए हैं, और इसकी कीमत समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये थी पूरी पेरिस समझौते की जो भी कहानी है, इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है।